हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सो इस वीडियो में मैं आपको आउटलाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा स्केच की सो so, जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियोस में देखा होगा कि मैंने ग्रिथ मेथड का यूज किया आउटलाइन ऑनलाइन ड्रा करेंगे सेम इसी इसी उसी मेथड से मैं इस वीडियो में भी ड्रॉ करूंगा करू सो so, सबसे पहले मैं यहां पर आपको रेफरेंस फोटो दिखा देता हूँ या आप देख सकते हैं ये रेफरेंस फोटो है जो मैंने ली है सो so, ये एक्ट्रेस साउथ की इसको फोटो को मैंने ऑलरेडी आप देख सकते हैं ग्रिड बॉक्सिस में डिवाइड किया हुआ है तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो दिखाई है मेरे चैनल पे कि कैसे आप इसको आ, फोटो को कर सकते हैं बॉक्सेस में डिवाइड और आपको पता भी होगा काफी एप्स हैं प्ले स्टोर में आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं सो so मैंने यहाँ पर की हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आ, मैंने काफी बॉक्स किए हैं तो आप देखें तो हाई ब्रेथ वाइज मेरे टोटल टेन इलेवन हाफ टेन एंड हाफ बॉक्सेस बनेंगे मतलब दस पूरे बॉक्सेस हैं और एक हाफ है और जो हाइट है हाइट वाइज हमारे पूरे फिफ्टीन बॉक्स बनेंगे वो इसलिए क्योंकि जो आ, मैं ए फोर शीट के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ तो बॉक्सेस भी मैंने उसी हिसाब से ड्रा डिवाइड किए हैं तो जब हम ए फोर के हिसाब से मैं बॉक्सेस डिवाइड करता हूँ तो क्या होता है कि जो बॉक्सेस हैं उनकी ब्रेथ लेंथ और ब्रेथ दोनों ना टू सेंटीमीटर के हिसाब से आती है ये बॉक्सेस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जैसे जो मैंने आपको कहा हाइट में फिफ्टीन है और अगर आप इसको एक की लेंथ एक बॉक्स की लेंथ आप अगर टू सेंटीमीटर रखते हैं तो आपकी टोटल थर्टी सेंटीमीटर बनता है और जो हमारी ए फो शीड होती है वो हमेशा वो भी लेंथ वाइज ऐसे लेंथ वाइज थर्टी सेंटीमीटर ही होती है थोड़ी एक दो तो पॉइंट कम होगी बट थर्टी सेंटीमीटर ही होती है और जो ऐसे ब्रेथ वाइज आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर बने हैं टेन बॉक्सिस और एलेवन जो बॉक्स है वो हाफ है और इस व जो आपकी ये शीट होती है ये ट्वेंटी वन सेंटीमीटर होती है मैं ट्वेंटी वो भी मतलब टू बॉक्स टू सेंटीमीटर का एक बॉक्स लेंगे लेंथ और ब्रेथ दोनों और और ब्रेथ में आपने देखा कि टेंथ बॉक्स टू सेंटीमीटर के हिसाब से ट्वेंटी सेंटीमीटर और एक बॉक्स जो हाफ है वो हो गया 1 वन सेंटीमीटर का मतलब ट्वेंटी सेंटीमीटर जो आपकी ए शीट का साइज़ होता है तो उस इस हिसाब से हम ड्रा करेंगे सो अब मैं क्या करूँगा सबसे पहले बॉक्सिस ड्रा करूँगा शीट पर सेम आपने बॉक्सिस ड्रा करने हैं जैसे आप ये मैंने बॉक्सिस का साइज लिया है मतलब लेंथ ऐसी ली बट आप चाहे तो बॉक्सिस ज्यादा भी कर सकते हैं इससे कम भी कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे सो अब मैं यहां आप पर आपको उल, आ, सबसे पहले में ड्रा करूंगा शीट पे सो आ, हम बॉक्सिस ड्रा करते हैं और आप हमेशा याद रखें जब भी आप ऑनलाइन गिड मैटर का यूज करते हैं और बॉक्सिस ड्रा करें हमेशा लाइट पेंसिल का यूज करें मैं थोड़ी डार्क पेंसिल का यूज करूंगा ताकि आपको वीडियो में बॉक्सिस दिखें तो इसलिए और आप मगर आप हमेशा लाइट पेंसिल का यूज़ करना तो हम अभी सो so, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बॉक्सेस ड्रा कर दिए हैं और सेम उसी साइज़ के किए हैं है जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था तो मैंने यहाँ पर देख सकते टू सेंटीमीटर का बॉक्स ईच बॉक्स लिए लेंथ भी और ब्रेथ भी लेंथ वाइज आप देखेंगे तो फिफ्टीन बॉक्सेज बनेंगे और ब्रेथ वाइज आप देखेंगे तो साढ़े दस बॉक्सिस बनते ए फोर शीट पर ये ए फोर साइज़ की शीट पर मैं बता रहा हूँ अगर आप ए थ्री या ए फाइव पर जाएंगे तो उसके हिसाब से अलग है बट ये ए फोर के हिसाब से मैंने बताया तो हम यहाँ क्या करेंगे अब जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्केच फोटो है रेफरेंस फोटो मैं इसके हिसाब से ड्रॉ करूँगा अब अब हमने क्या करना है सबसे पहले इस फोटो को आप यहाँ देखें इस फोटो का आप ज़ूम करेंगे जितना आप, आपका जो और उसको क्या करेंगे ये आपने इतना जूम करना है जितना आपका शीट का साइज़ है आप देखिए एक बॉक्स मैंने लिया था टू सेंटीमीटर का और ये देख सकते हैं मैंने टू सेंटीमीटर के हिसाब से जूम कर लिया आप कैसे मेजर कर सकते हैं अब हमने बस इसे ड्रा करना है हम हमने जूम कर लिया बस हमने अब सेम ऐसे ही देखना है अपने रेफरेंस फ़ोटो को देखें और ऑब्जर्व करें और जैसा 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 हर बॉक्स में ड्रा हुआ है सेम तरीके से हमने यहाँ पर ड्रा करना है आप चाहे तो बॉक्सिस की मेजर जैसे नंबरिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर जैसे रेफरेंस फोटो में हुई है यहाँ पर भी कर सकते हैं अब हमने सेम उसी तरीके से ड्रा करना है सबसे पहले है, मैं हमेशा यहाँ से शुरू करता तो इस लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करूँगा और टॉप के और ऐसे इस तरफ नहीं जाए ताकि जो अगर हम इस आइज मैं मैंने देखा है काफी लोग आइज पहले ड्रा करते हैं फेस ड्रा करते हैं बट मैं ऐसा नहीं करता मैं हमेशा यहां से शुरू करता हूं तो अगर आपको फेस पहले ड्रा करना पसंद है तो आप पहले फेस से शुरू करें बट मैं हमेशा यहां से करता हूँ तो हम यहां ड्रा करेंगे आपने बस ऑब्जर्व करना है कि मैं फोटो जितना बॉक्स में एक बॉक्स में एक पोर्शन है सेम उतना ही आपने यहाँ ड्रा करना है और आपने जो जो डिटेलिंग आपको इम्पोर्टेंट लगती है वो वो आप यहाँ ड्रा कर सकते हैं जैसे यहां पर आप हेयर देखें तो ये जो हेयर है ये अलग से डार्क है वाइट हेयर है इस पर तो अलग से दिख रहा है इसको मैं अलग से ड्रा कर लूँगा बाकी हेयर पे हम बेसिक बेसिक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमें इंपॉर्टेंट लगती है तो अब हम वो ड्रॉ करेंगे जो हमें रेफरेंस लगता है इंपॉर्टेंट है और सेम बॉक्सेस के हिसाब से ड्रा करेंगे सो so, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ऑनलाइन ड्रॉ कर ली है और सेम बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ किया जैसे रेफरेंस फोटो में थी सेम हर सेम बॉक्स में वैसे है उतने ही पोर्शन ड्रॉ किए है, जितने यहाँ बॉक्स में था और जो जो नेसेसरी ऑनलाइन में मेरे को चीज़ चाहिए स्केच ड्रॉ करते वो मैंने सब ड्रॉ कर लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हे इसमें यहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेलिंग ऐड की है यहाँ पर मैंने बिल्कुल एम छोड़ा है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक शेड है तो उसकी मेरी मुझे जरूरत नहीं जो क्लॉथ है वो मैंने एम बेसिक ऑनलाइन ड्रा कर लिया है पर जो डिटेलिंग है वो नहीं ऐड की वो मैं जब स्केच ड्रा करूँगा तभी ऐड करूँगा बाकी जहाँ जहाँ मेरे को जो जो जरूरत थी मैंने ड्रा कर ली है अब आप काफ़ी अच्छे से ड्रा हो गया हुआ है आप क्या अब अब आप स्केच ड्रा करेंगे तो आप चाहें तो जो ये लाइन्स हैं या आ, मिटा सकते हैं ग्रिड मेथड की या फिर जब स्केचिंग आप करेंगे तभी मिटाएं तो वो भी चलेगा फेस आप की आपको पहले मिटानी पड़ेगी क्योंकि जब फेस अगर आप लाइंस के ऊपर ही स्केचिंग शेडिंग करेंगे तो वो लाइंस दिखेंगी और वो फेस की शेडिंग को ख़राब कर देगी हेयर पे डार्क पोर्शन होता है इसलिए वहाँ पर लाइंस की कोई ज़रूरत नहीं मिटाने की बट फेस की आपको ज़रूर मिटानी पड़ेगी जहाँ जहाँ स्किन है और जहाँ जहाँ लाइट पोर्शन है जैसे क्लोथ लाइट पोर्शन में होंगे तो यहाँ पर भी आपको मिटानी पड़ेगी और फेस की बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा ड्रॉ स्केच बिल्कुल वैसी ड्रॉ है जैसी रेफरेंस फोटो में थी हाँ, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँगी जो लाइन्स है काफ़ी डार्क है उसकी आउटलाइन आप देख सकते हैं काफ़ी डार्क है वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको वीडियो में दिखाना था ड्रॉ करते हुए इसलिए मैंने डार्क पेंसिल से यूज़ किया है आप लाइट पेंसिल का यूज़ करें इसको और, इसको और मैंने अब ड्रॉ कर दिया अब इसको मैं लाइट करने के लिए एक और तरीका है कि आप एक अरेजर को लें और इसको थोड़ा रब कर लें जिससे वो थोड़ा लाइट हो जाएगा पोर्शन और आपकी और लाइन थोड़ी लाइट हो जाएगी और आपका पोर्शन अच्छा दिखेगा सो so, जैसे देख सकते हैं आपने देखा वीडियो में कि ऑनलाइन ड्रॉ होगी है अब आप हम अगली वीडियो में मैं आपको स्केच ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो